प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाली और भ्रष्टाचार के नित्य नए रिकॉर्ड स्थापित करने वाली कमलनाथ सरकार को आज अपदस्थ किया गया था और बाद में फिर नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज आदरणीय सिंधिया जी के साथ हमने दो पौधे लगाए हैं, रोज एक लगाते हैं, आज दो। एक पौधा है विकास का, मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण का, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का, और दूसरा पौधा हमारे श्रद्धेय कपूरचंद पुलिस जी, जिन्होंने 7 मार्च 1956 को राजस्थान पत्रिका की नींव रखी थी। न केवल वो पत्रकार थे बल्कि चिंतक, लेखक, कवि, समाजसेवी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका पूरा जीवन संघर्ष के साथ साथ अपना संकल्प करते हुए बीता। उनकी स्मृति में भी हमने एक पेड़ लगाया है और लगातार हम लोगों का प्रयास ये है कि मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर तेजी से हम ले जाएं। आज सिंधिया जी यहाँ साथ हैं और हम लोगों ने जो पेड़ लगाया है, ये पेड़ नहीं, संकल्प है। मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास का मैं इतना ही कह सकता हूँ, आज के दिन के परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जितनी क्षमता है हमें मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में और जनता के कल्याण। सर, आज लंच भी आप सब लोगों का एक साथ? हाँ, भोजन भी साथ में है, विचार विमर्श भी साथ करेंगे और विचार की प्रक्रिया तो लगातार जारी रहती ही है। आज भी हम लोग साथ हैं। कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने जा रही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब उससे क्या होता है। कल ओलावृष्टि हुई है, आपने भी निर्देशित किया है। अभी मैंने फिर बैठक लेके आया हूँ, पूरे प्रदेश की मैंने समीक्षा की है यहाँ आने के पहले, सारे अधिकारी के साथ सबको निर्देश दिया है। हमला फील्ड पे है, जो क्षति होगी उसका आकलन कर रहे हैं। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोनों निर्देश हमने दिए, राहत जहाँ क्षति हुई है वहाँ, और दूसरे फसल बीमा योजना के लिए भी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करके उसकी तैयारी भी हम करेंगे। बिजली गिरने से 7 लोगों की जान पिछले दिनों गई है, 4-4 लाख रुपए की राशि उनके परिजनों को हम दे रहे हैं। कहीं पशु हानि अगर हुई है तो उसमें भी हम राहत देंगे। किसान के साथ सरकार